दो दिन पहले भारतीय नौसेना का एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस दुर्घटना के बाद इन हेलीकॉप्टर्स को लेकर कई तरह के सवाल खड़े होने लगे थे और अब रक्षा बलों ने जांच रिपोर्ट आने तक ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर्स के पूरे बेड़े का परिचालन बंद कर दिया है। ध्रुव हेलीकॉप्टर्स के उड़ान भरने पर रोक तब तक जारी रहेगी जब तक इसके जांचकर्ताओं को हेलीकॉप्टर की दुर्घटना होने के कारण का पता नहीं चल जाता। बता दें, भारतीय तटरक्षक बल के साथ ही सेना, नौसेना और वायुसेना द्वारा ALH हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन हाल ही में घटना को देखते हुए अब रक्षा बलों ने बड़ा फैसला लिया है। बता दें, HAL बेंगलुरु में निर्मित स्वदेशी हेलीकॉप्टर्स का निर्माता है। ध्रुव हेलीकॉप्टर को दो पायलट उड़ाते हैं। इसमें 12 जवान बैठ सकते हैं। इसकी लंबाई 52.1 फीट और ऊंचाई 16.4 फीट है। ध्रुव हेलीकॉप्टर की अधिकतम गति 291 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह एक बार में 630 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। अधिकतम 20,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। ALH ध्रुव सेना के 3 अंगों के हेलीकॉप्टर मिशन में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे अलग अलग इलाकों में तैनात किया गया है। फिलहाल इसमें किसी तरह का हथियार नहीं है, लेकिन इसके ही प्लेटफॉर्म पर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बनाया गया है जो हमलावर हेलीकॉप्टर है। वहीं इस दुर्घटना के बाद HAL के अधिकारियों का कहना है कि कंपनी ने एहतियात के तौर पर पहले ही कदम उठा लिए हैं और अब यह सुनिश्चित करने के लिए ग्राहकों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है ताकि हेलीकॉप्टर्स का संचालन फिर से किया जा सके। बता दें कि हाल ही में मुंबई से भारतीय नौसेना के ALH ध्रुव ने मिशन के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन अचानक से उसमें बिजली की सप्लाई ठप हो गई और हेलीकॉप्टर नीचे गिरने लगा, जिसके बाद पायलट को पानी में ही हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग करानी पड़ी। गनीमत की बात यही थी कि इसमें सवार तीनों जवान सुरक्षित बाहर निकल गए। हालांकि इस दुर्घटना के बाद ध्रुव हेलीकॉप्टर्स के उड़ान भरने पर रोक लगा दी गई। इसके जांचकर्ताओं को हेलीकॉप्टर की दुर्घटना होने के कारण का पता चलने के बाद ही फैसला लिया जाएगा कि आगे इन हेलीकॉप्टर्स का संचालन फिर से किया जाएगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।